आप सबों को अभी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 19 से लेकर 23 तक का मनन करेंगे, लेकिन शुरुआत में उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के दौर जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर से और एक बार परमेश्वर का पवित्र वचन सामर्थ्य के साथ गहराई से बात करने के लिए प्रभु का आत्मा मुझे सहायता दिया, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस भाग को आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, तीसरे दिन यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिलाया। 40 दिन 13 बार कई जगहों में यीशु मसीह प्रत्यक्ष हुआ करके सुसमाचार से पत्रियों से हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के कुछ दिन अगले दिन से अगले समय से चेले लोग बहुत डर गए थे। इस कारण चेलों के मन में वो विचार आया, यीशु के जैसे हमको भी सूली पर चढ़ाकर मार डालेंगे। उस सुबह का समय गेतसेमने बगीचा से जब यहूदी शास्त्री महायाचक लोग यीशु मसीह को इस्करियोती यूदा के द्वारा जब पकड़ा, उस समय तितर बितर भागे। लेकिन पत्रस थोड़ा दूरी में उनका पीछा किया, वो 3 बार इंकार किया, आखिरी में इन लोग सब भयभीत होकर एक कमरा के अंदर में कई दिन तक, पता नहीं उस समय भोजन किए कि नहीं, पानी पिए कि नहीं, लेकिन सबके अंदर में ऐसा डर समा गया है, पूछो मत। वो सोचा होगा अब हमारा भी पारी है। कभी भी रोमा सेना यहूदी लोग अन्य लोग हमको पकड़ने के लिए इस कमरा में आएंगे, इसलिए बहुत ही भयभीत होकर निराशा के साथ उस कमरा के अंदर में आप सोच के देखो कैसे ये 11 चेले हाल रह लेंगे होंगे। लेकिन उस समय उनका विचार यही होगा, हमको ये रास्ता में नहीं आना था, यीशु तो चला गया, अब हम अकेला हो गया है, एक एक के पीछे हमको विरोधी लोग पकड़ेंगे। ऐसा निराशित होकर भूखापन में भयभीत होकर रहने के समय देखो बंद कमरा के अंदर में 6 आशीषों के साथ यीशु वहां पर आया है। आज हमारा विषय है बंद कमरा के अंदर यीशु मसीह 6 आशीषों के साथ चेलों के बीच में आया। आज इसी प्रकार का भयभीत अवस्था में निराश होकर पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, कंपनी का मालिक से, अन्य दोस्तों से निराश होकर मेरा जिंदगी यहां पर है, अब खत्म होने वाली है, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब मेरे मरने का समय आया है, वो विरोधी आकर मुझे पकड़ेंगे,
इस प्रकार का चिंताओं में आगे बढ़ने वाले प्यारों, आज इस वचन सुनने का समय अगर आप विश्वास करेगा तो प्रभु जी इस बंद कमरा में आप मुझे बाहर निकालने के लिए, मुझे भी शांति देने के लिए, छह प्रकार का अनुग्रह को देने के लिए यीशु आप मेरे कमरा के अंदर वो भी आइए करके अगर आप प्रार्थना करेगा तो कमरा के अंदर से सामर्थ के साथ भरकर, अभिषेक के साथ भरकर पूरे विश्व में उनको तितर बितर करके अपना सेवा को पूरा करने वाला यीशु आज भी आपका हाल लिया विश्वास के अनुसार आपका कमरा में आने के लिए तैयार है। आपको भी दुनिया के चोर तक गवाह बनाने के लिए प्रभु आएगा अगर आप विश्वास करेगा तो। यहां पर भयभीत होकर, निराश होकर, हमारा समय आगे करके बोलने वाले जेलों के बीच में बिना दरवाजा खोलते हुए यीशु उनके मध्य में प्रत्यक्ष हुआ, तुम्हें शांति हो। आज भारत का स्थिति क्या है, भारत की कलीसिया का स्थिति क्या है, भारत के वासवालों का स्थिति क्या है, विश्वासियों का स्थिति क्या है, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार बंद कमरा के अंदर में भारत के लोगों से, विरोधियों का लोगों से भयभीत होकर रहने का दिन आने वाले दिनों में आएगा करके पवित्र आत्मा कह रहा है। लेकिन यीशु आपको त्यागी करेंगे। ऐसा स्थिति भारत के पासवालों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में अगर आने वाले दिनों में आएगा तो भी उस बंद कमरा में छह आशीर्वादों के लिए आपको देने के लिए यीशु मसीह आएगा। यहां पर सबसे पहला आशीष, भयभीत होकर, निराश होकर रहने वाला जेलों को यीशु का पहला आशीष यह है, तुम्हें शांति हो। अगर संसार आपको शांति नहीं दे पाएंगे, आपका परिवार आपको अगर शांति नहीं दे रहे तो भी, समूह आपको शांति नहीं दे रहे तो भी, यीशु के साथ अगर एक दृढ़ विश्वास के साथ अगर आप यीशु के संग चल रहे तो यीशु आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर संसार से आपको शांति नहीं मिलेगा तो भी यीशु आपके मध्य में आकर आपको शांति देगा। यीशु ने कहा, संसार देने वाली शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो पहला आशीर्वाद अनुग्रह यह है, तुम्हें शांति मिले। निराशा से भयभीत अवस्था में रहने वाले, बंद कमरा के अंदर में हमारा जिंदगी यहां पर खत्म हो गया करके बोलने वाले जेलों के अंदर में यीशु शांति लेकर आया है। हालेलुया, कितना आश्वासन है, कितना हाल सुकून है। हृदय ठंडा हो गया। चेले सोचे होंगे, हमारा यीशु मसीह को लो मारा है, अब वो आएगा नहीं। लेकिन लोग मारने से, सैतान मारने से मरने वाला नहीं है हमारा यीशु। मरने के बाद तीसरे दिन में यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिलाया। आज भयभीत होकर रहने वाले लोगों, अगर कोई आपको मारते हो, पीटते हो, खत्म भी करते हो, एक दिन आपको भी पिता परमेश्वर जिलाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। अगला वचन, जब हम 20वां वचन पढ़ने का समय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस 20वां वचन हम पढ़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंचर उनको दिखाए। भयभीत होकर रहने वाले चेलों के सामने यीशु
अपना छेदा हुआ हाथों को दिखाया। देखो तुम अभी भयभीत हो, इसी प्रकार मुझे भी भयभीत करने के लिए शैतान, यहूदी शास्त्री सदूकी पूरे लोग कोशिश किया, मुझे मारा भी, लेकिन देखो मुझे मार नहीं पाया। मैं फिर से जीवित होकर बाहर आया है, मृत्यु और अधोलोकों के ऊपर में मैं जीत हासिल किया। इन बातों को सुनने के बाद चेलों को समझ में आ गया है, हमारा यीशु को कोई मार नहीं सकता, हमारा यीशु मसीह को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह को नष्ट नहीं कर सकता है तो हमें भी कोई नष्ट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, एक अद्भुत सामर्थ्य चेलों के अंतर में आ गया है। पहला आशीष, तुम्हें शांति मिले। दूसरा आशीष, यीशु उन्हें सांत्वना दिया है, मुझे मार नहीं पाया, तुम्हें भी मार नहीं पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद चेलों के अंदर में एक धैर्य आ गया है, एक शक्ति आ गया है, हमें भी कोई मार नहीं पाएंगे। वो ये डर उनके अंदर से धीरे 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 दूर हो गया है और उनका निराशा उनके अंदर से दूर हो गया है। भयभीत होकर, दुखी होकर, डर भय के साथ डरने वाले उनका चेहरों में धीरे 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 मुस्कुराहे कस्तदी आ गया है। सुबह का समय, जब सूरज का उदय होने का समय, नई किरणें आने का समय, उचियाला बढ़ने का समय, पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाएगा, उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा। वैसा ही यीशु मसीह का आश्वासन की बात है, यीशु मसीह का शांति उनका शरीर में मन में आने के समय वो मुस्कुराने लगा। हालेलुया। अगला प्रेज द लॉर्ड, तीसरा आशीष है प्रेज द लॉर्ड। 20वां अध्याय का आखिरी में लिखा है, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। पहले शांति मिला, उसके बाद सांत्वना मिला, उसके बाद उनको आनंद मिला है। आज इन वचनों को सुनकर कमरा के अंदर में बैठने वालों प्रियो, निराश होकर ना रहे, भयभीत होकर ना रहे। आप भी यीशु मसीह का प्रिय बेटा बेटी है, आपको कोई धमका नहीं सकता, आपको कोई बांध नहीं सकता। इस धरती के एक शक्तिशाली व्यक्ति के जैसे नहीं यीशु उनको बांध सकता है। शैतान को एक स्वर्गदूत चाहेगा तो बांध सकता है, लेकिन आपके साथ दो स्वर्गदूत है। यहाँ पर देखो, आपका कमरा के अंदर में यीशु अभी आ रहा है, यीशु मसीह आपको शांति दे रहा है, यीशु मसीह आपको सांत्वना दे रहा है, यीशु मसीह आपको आनंद से भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना अनमोल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा पड़ोसी मेरे विरोध में जादू टोना किया है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे नष्ट करेगा, ये चिंता अगर आपको सता रहे तो यीशु नासरी के नाम से हुक्म दे, मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, हमारा परिवार प्रभु का है, हमारे डेरे के अंदर में कोई सतानी शक्ति नहीं आ सकता, कोई हमको बांध नहीं सकता, ताकि यीशु हमें शांति देने वाला प्रभु है, यीशु हमें सांत्वना देने वाला प्रभु है, यीशु हमें आनंद देने वाला प्रभु है। इसलिए यीशु के नाम से ऐसा भयभीत अवस्था में, निराश अवस्था में मेरे जिंदगी खत्म हो गया करके बोलकर कमरा के अंदर में बैठने वाला उस भाई के पास, उस बहन के पास, उस माँ के पास, उस जवान बेटा के पास, लड़की के पास, प्रभु जी आप खुद जाइए, इसी समय उनका बंधन को तोड़िए, उनको भी आनंद से भर दीजिएगा। हालेलुया,
हालेलुया। चेले लोग खुश हो गया, चेले लोग आनंदित हो गया। अब हमको कोई मार नहीं सकता, अब दुनिया का कोई शक्ति चाहेगा तो भी हमको मार नहीं सकता, ताकि हमारे बंद कमरा के अंदर यीशु आया है, छह आशीषों के साथ आया है। हालेलुया, मेरा भाषा हम बोलेगा तो वो हालेलुया कॉर्नर में बैठने वाला धीरे धीरे यीशु के पास आने लगा, नाचने लगा, मुस्कुराने लगा। आप भी मुस्कुराइए, आपको भी कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उलखम भमनारंधा, अगर आप बीमारी में, कर्जा में, अगर हालेलुया निराशाओं में, मुझे नौकरी नहीं मिला, मेरे शादी अभी तक नहीं हुआ, अगर पढ़ाई में मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अगर हालेलुया मैं आगे कैसे बढ़ेंगे, मेरे परिवार को कैसे बढ़ाएंगे, इस प्रकार के चिंताओं में रहने वाला हर प्रिय लोगों के अंदर से यीशु के नाम से वो डराने वाला शक्ति, निराश करने वाला शक्ति यीशु नासरी के नाम से चले जाए। और उनका करो में, उनका दिल में यीशु मसीह आप आइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसका 20 का 22 में लिखा है, हालेलुया, प्रभु को मालूम हो गया अब इस कमरा में इनको रखना नहीं, इनका डर दूर हो गया है, इनका निराशा दूर हो गया है, मैं आने के बाद इनको शांति दिया, सांत्वना दिया, अभी आनंद से ये नाच रहा है। अब इनको बंद कमरा से बाहर लाना है, लेकिन बाहर में जाते समय यहूदियों से और अन्य विरोधियों से देखने का समय ये फिर से भयभीत होगा, इसलिए इनको मुझे देना होगा अभिषेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इनको अभिषेक देना होगा। अभिषेक आएगा तो आपका डर दूर होगा, मैं भी डरपोक था, अभिषेक पाने के पहले मैं भी डरपोक था, लेकिन अभिषेक आने के बाद मेरा जीवन चेंज हो गया। यहां पर अभिषेक आया नहीं, यीशु आने के बाद ये लोग हाल्य शांति पा लिया है। यीशु इनका कमरा में आने का देरी था, सांत्वना मिल गया है, और यीशु आने के बाद इन लोग आनंदित होकर हालेलुया मुस्कुराने लगा। अब इनको बाहर निकालना है तो विरोधियों को देखने का समय, अगर ये डरना नहीं है तो इनको अभिषेक जरूरत है। उसका 22वां वचन में लिखा है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आज जगत में जितने प्रिय लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, वो डरेगा नहीं, वो कमरा के अंदर नहीं बैठेगा, वो बोलेगा मेरे साथ स्वर्गदूत है, मेरे साथ परमेश्वर है, उनके इच्छा के बिना मेरा सिर का एक बाल को भी कोई उखाड़ नहीं पाएंगे, ताकि अभिषेक बहुत सामर्थ्य है। अगर आप अभिषेक नहीं पाया है तो अति शीघ्र ही अभिषेक के लिए परमेश्वर के सामने हालेलुया समर्पित करें। आपको भी आज परमेश्वर इन दिनों में प्रभु अभिषेक देंगे। हालेलुया, अब इनके ऊपर में पवित्र आत्मा आया। प्रेज द लॉर्ड, फोर्थ आशीष अभिषेक, फिफ्थ आशीष, पांचवा आशीष। परमेश्वर उनको बोला अब इनको कमरा से बाहर निकालना पड़ेगा। 21वां वचन में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। कमरा के अंदर से बाहर निकाला, निराश में, डर में, हमारे जिंदगी यहां पर खत्म हो जाएगा, यीशु के जैसे हमको भी मार डालेगा, ये सोचकर बैठने वाले जेलों के पास यीशु कह रहा है, अब तुमको जैसे पिता मुझे भेजा है तुम देख रहे हो, मैंने काम पूरा कर लिया है, अब तुमको भी मैं भेजता हूं। जाने के पहले अभिषेक दे दिया, सबसे पहले शांति दिया,
सांत्वना दिया, आनंद दिया, अभिषेक दिया, पांचवा उनको भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिधिला खंभा मनगंडगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा एक अद्भुत सामर्थ्य आपके पास आया है। आपको भी लग रहा है मुझे भी बंद कमरा में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, यीशु के नाम की महिमा करना है, नाश होने वाले लोगों को बचाना है, अंधकार के बंधनों में जकड़े हुए लोगों का बंधनों को तोड़कर मुझे बाहर निकालना है। अब क्या देरी है प्रियो, छठवा आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उरकम भमना रंगा, उसका 23वां वचन में लिख रखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। केवल यीशु मसीह पापों को क्षमा दे सकते थे। अब अभिषेक आने के बाद, यीशु भेजने के बाद, भेजने वाला एक एक लोगों के पास यीशु अधिकार दिया, तुम्हें भी क्षमा करने का अधिकार है। जिनका क्षमा तुम रखेगा उनको क्षमा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम पूर्ण मन से जिनको क्षमा देंगे, जो व्यक्ति परिपूर्ण रीति से प्रभु में आ गया है, प्रभु का अनुग्रह को पा लिया है, उनको तुम भी क्षमा करो, बंधन टूट जाएगा, परमेश्वर उन्हें भी आजादी देगा। छह प्रकार का आशीष बंद कमरा के अंदर में यीशु निराशा में, डर भय में डूबे हुए लोगों को अगर दे दिया है तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को, प्रिय भाई बहन, आपका अभिषेक आपके अंदर में दिए हुए अधिकार से आप शांति दे सकोगे, सांत्वना दे सकोगे, आनंद से भर देगा। तीसवा भजन का 11 में लिखा है, मेरे विलाप को वो नृत्य में बदल डाला है। सबसे पहले बंद कमरा में रहने वाले 11 चेलों का विलाप को उसने नृत्य में बदल डाला, उसके बाद दुनिया में तितर बितर भेजा। जैसे हमारा भारत में तोमा आया, रोम में पौलुस गया, इसी प्रकार परमेश्वर दुनिया के भीतर में अलग अलग स्थानों में राष्ट्रों में प्रभु का चेले हो गया, ले गया, वहां पर उन लोग शहीद हो गया, इसके बीच में कभी भी उन लोग मिला नहीं, स्वर्ग में पहुंचने के समय जरूर मिला है। आज परमेश्वर आपका जीवन में ये आशीषों को देना चाहता हूं। हालेलुया, उरकम भमना रंखा। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 उसके बीच में हम पढ़ते हैं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रियो, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है क्षमा करने का, बंधनों को तोड़ने का, उनका सामने परमेश्वर द्वार खोल कर रखा है, उनके लिए खोल कर देंगे। नीचे में मैंने पढ़ा, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। केरल कस्तुरी क्या है? जितने झूठे भविष्यवक्ता जो वचन के विरोध में भविष्यवाणी करके लोगों का पैसा के लिए सेवा करते थे,
सबका दुकान बंद हो गया है। वो चैनल वाला कहता है यीशु अच्छा है, यीशु सच्चा है। आज भी यीशु का सच्चे दास लोग दुनिया में है, इंडिया में है, उनके विरोध में हम लोग बात नहीं किया। यीशु के नाम से बिजनेस करने वाले, मीठे मीठे भविष्यवाणी करके लोगों का पैसा लूटने वाले, 15,000 50,000 1,00,000 ये बोलकर लोगों को बहकाने वाले उन झूठे लोगों का दुकान बंद हो गया है। अब पंजाब का भी, इंडिया का भी, जो भी वचन का विरोधी प्रचार करते हैं उनका भी बंद हो जाएगा। लेकिन सच्चे पासवानों के, विश्वासियों के, अगर वो डर के कारण कमरा में भी बैठे, यीशु उनका कमरा के अंदर में आएगा, 6 प्रकार के आशीषों को देकर उनको बाहर निकालेगा। अगर आप वचन का पालन करने वाला व्यक्ति है तो, आप परमेश्वर का इंकार ना करने वाला व्यक्ति है तो ये चाबी आपके हाथ में प्रभु देगा। हालेलुया। और एक वचन में लिखा है यशायाह 22:22 में, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। इसलिए अंत के समय में आप परमेश्वर का वचन का पालन करें, परमेश्वर का इंकार ना करें। ऐसा है तो चाबी परमेश्वर आपके हाथ में देगा। आप बंद करेगा तो कोई खोलेगा नहीं, आप खोलेगा तो कोई बंद नहीं करेगा। लेकिन वचन का विरोध में प्रचार करने वाले, झूठी झूठी भविष्यवाणी करके लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को बहकाने वाला, भड़काने वाला, उनके लिए चाबी नहीं देगा। वो खोलेगा तो बंद दरवाजा नहीं खुलेगा। वचन का पालन करने वाला, परमेश्वर का इंकार ना करने वाला, अगर कोई दास, कोई भक्त मेरा, मेरी ओर से पवित्र आत्मा बोलने वाला वचनों को सुन रहा है तो निराशा को छोड़कर, डर को तोड़कर कमरात से बाहर आ जाओ। परमेश्वर ये सारी आशीषों को देखकर, अधिकारों को देखकर, लाखों करोड़ों का उद्धार के लिए आपको बाहर में भेजने का समय आया है। कितने लोग चाहता है प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर। कितने दास लोग चाहता है ये अद्भुत ताकत मेरे अंदर आने पाए, मैं टूट चुका हूं, मैं निराश होकर, भयभीत होकर इन दिनों में सेवा नहीं कर रहे, फलाना स्त्री हमारे कलीसिया को बंद किया, गांव में नगर में सेवा करने के लिए हमको अधिकार नहीं, हम भयभीत होकर घर में बैठे हैं। प्रिय भाई ये वचन आपके पास आ रहा है, यीशु मसीह आपका कमरा के अंदर आ रहा है। ये 6 प्रकार का आशीषों को आपको देकर कमरा से आपको बाहर निकालकर उन हजारों लाखों करोड़ों का उद्धार के लिए फिर से अभिषेक के साथ आपको इस्तेमाल करने के लिए यीशु आपके पास आ गया है। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करना चाहता है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर वचनों के लिए। हा परमेश्वर, हजारों लाखों करोड़ आज बंद कमरा में है, कोई शैतान का बंधन में है, कोई शैतान के शक्तियों से जकड़े हुए है, किसी को परिवार बांध के रखा है, किसी को शैतान बांध के रखा है, किसी को समाज बांध के रखा है, लेकिन उनका बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और वो बाहर आकर अभिषेक के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आपने प्रत्येक लोगों को छू लिया जहां पर बैठकर वो वचन सुन रहा है प्रभु जी, बहुत सारे लोग रो रहा है,
उनको छुरी चाहिए। मैं तुम्हारे कमरा के अंदर आ गया, तुम्हें शांति देने के लिए आया है, सांत्वना देने के लिए आया है। रोने वाला तुम्हारा चेहरा में मुस्कुराहट देने के लिए, आनंद से तुम्हें भरने के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हारे अंदर में मेरे अभिषेक को भूकने के लिए आया हूं। पवित्र आत्मा इस समय में उन्हें छू और उनको अभिषेक। और यीशु कह रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, और जिनको तुम क्षमा करोगे क्षमा हो जाएगा, जिनको तुम रोकोगे उनका रुक जाएगा। फुल पावर आपको प्रभु ने दे दिया है, परमेश्वर आपने इन्हें फुल पावर दे दिया है, पूरा अधिकार दे दिया है। अब इनका निराश चला गया है, इनका बंधन टूट गया है, डर बिल्कुल उनके अंदर में नहीं है। परमेश्वर इन्हें छू लीजिए। और दाऊद का घराने का कुंजी जो खोलने के समय खुल जाता है, बंद करने के समय बंद हो जाता है, और कोई ऐसा काम नहीं करता, ये प्यारे लोगों को भी दे दीजिए ताकि आपका अभिषेक से इन्हें छू लीजिए। ये भी आपका पवित्र आत्मा का गाइडेंस के अनुसार लोगों के पास जाने वाला है। परमेश्वर इनको आपने पूरे अधिकार से भर दिया। देखो आज का इस वचन के द्वारा आपने पूरी तौर से उनका भयभीत अवस्था को हटाकर उनको धीरज से भर दिया। धन्यवाद। उनका निराशा को हटाकर आपने उनको आनंद से भर दिया। धन्यवाद। बंद कमरा में बैठने वाले लोगों के ऊपर में जैसे आपने 6 प्रकार का अनुग्रहों को भरकर आपने दुनिया का भीतर भीतर उनको भेज दिया, वैसा ही आज आपका सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने वाला ये प्रिय लोगों को भी आप भेज दीजिएगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपने इनको आशीर्वाद दे दी। धन्यवाद। ऐसा गहरे विषयों के बारे में प्रचार करने के लिए मुझे शक्ति दे, ये प्रिय लोगों को भी शक्ति दे। हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से, आमेन आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप इन वचनों से आशीष पाए होंगे। मेरे नंबर पर आप फोन कर सकते हो अगर और अन्य विषय आपके पास है तो आप जरूर बात करें। बीते दिन का वचन से गुजरात से फोन आया, कई इलाकों से फोन आया, और मैंने उनको आश्वासन दी और उनके लिए प्रार्थना की। कई चमत्कार भी उनके जीवन में प्रभु ने किया, वैसा ही परमेश्वर आपका जीवन में भी ये 6 प्रकार का आशीषों को दिया है। और आगे का वीडियो भी देखकर उन वचनों को सुनकर आप आशीष पाने के लिए स्वर्गीय मन्ना टीवी का सब्सक्राइब आप नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़ जाएगा। मैं उत्साहित होकर परमेश्वर का कार्यों को करेंगे। साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स और कलीसिया के अन्य लोगों को भी ये वचनों का लिंक भेजकर दे, शेयर करें ताकि उन लोग भी वचनों को सुनकर आशीष पाए। अगले वीडियो में आने तक प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे दे। आमीन।